कम से कम 2 घंटा लगता, और 2 घंटा लगता। टाइम तो लगेगा मगर इतना बढ़िया वाला तेल मिलेगा ना, उसको अपन खाना बनाने का टाइम में कुकिंग में यूज कर सकते हैं और ठंडे का मौसम में बड़ी मसाज भी कर सकते हैं, मजा रहेगा। मिलाते रहो मिलाते रहो। देखिए अभी तेल बाहर निकलना शुरू हो गया, देखिए देखिए यहाँ पर बीच में कितना सारा तेल निकल गया। हाय गाइस, आज हम बनाएंगे नारियल का तेल। देखिए अपना पास बहुत सारा नारियल है, इसे अपन आज तेल निकालेंगे। पहले नारियल को फोड़ेंगे, फोड़ के एकदम देसी तरीके से बनाएंगे आज नारियल का तेल। खाना बनाने का टाइम ये तेल भी डाल सकते हैं उसमें, और क्या है सर पे भी लगा सकते हैं, बहुत सारा काम में आएगा तेल। सबसे पहले अपन नारियल फोड़ेंगे भैया। फोड़ो फोड़ के पानी निकाल दो। चलो रवाना, चाकू ले लो, नारियल निकालो बाहर। राजू एटला वाला तुम्हें खबर क्या? कितना है पूरा? 10 नारियल है। 11 अरे अरे देखे देखे। हल्लो मारो आज, हल्लो मारो। कल नारियल निकालना है बाकी अभी। हाँ, एक घंटा लगता है पूरा निकालना वाले तो। नहीं जल्दी हो जाएगा। देखिए यहीं पे थोड़ा मेहनत रहेगा मगर तेल एकदम बढ़िया वाला निकलेगा। फिर इसको डाल देंगे एक बोल में। और कितना बच गया? और बहुत सारे भी है। यहाँ पे देखिए आधा नारियल तो कटिंग हो गए, और इसको मिक्सी जार में अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना के उसमें उसके अंदर दूध निकालेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगाएंगे ढक्कन। पूरा पेस्ट बनाना है उसको, पूरा पेस्ट बना के उसमें से दूध निकालना है। यहाँ पे देखिए इसी तरह पूरा नारियल को अच्छे से पीसना। ये देखिए एकदम बढ़िया सा पीसना हो गया। तो चलिए इसको अभी कपड़े में डाल के इसका दूध को अलग करेंगे। चलो इसी तरह देखिए एक बाउल के ऊपर कपड़ा डालेंगे, और इसमें डालेंगे अभी इस पेस्ट को, और इसको निचोड़ निचोड़ के इसके अंदर से दूध को निकालेंगे। बहुत टाइम लगेगा ऐसा बोले तो? कम से कम 2 घंटा लगता, और 2 घंटा लगता। टाइम तो लगेगा मगर इतना बढ़िया वाला तेल मिलेगा ना, उसको अपन खाना बनाने का टाइम में कुकिंग में यूज कर सकते हैं और ठंडे का मौसम में बड़ी मसाज भी कर सकते हैं, मजा रहेगा। देखिए इसको इसी तरह निकाल देंगे। आज पोना को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा भैया, बढ़िया वाला मलाई मिलेगा पोना। खाओ मजा उठाओ। ठीक है मैं दूध बनाते जा रहा हूँ भैया, जब तक हांडी लगा दो। आग भी रेडी है भैया, लगा दो। चलो आ रहे आ रहे। देखो भैया कितना आग आ रहा। आग लगाया कौन हो तो? देखो राजू लगाया, दुनिया जलाने वाला लगाया। जल्दी से जल्दी डाल देंगे वरना खाली हांडी है ना जल जाएगा। फिर देखिए पूरा दूध तैयार हो गया और ये पूरा हांडी भी डालना हो गया। अभी काम क्या है? उबालने का काम है। उबालना और इसी तरह बीच बीच में चलाते रहना पूरा 3-4 घंटा। नहीं उतना नहीं लगेगा, 2 घंटा तो लग जाएगा। तो जब तक मिलाते रहना, मिलाते रहना, आग लगाते रहना। ये दूध पूरा खत्म हो जाना चाहिए और लास्ट में मिलेगा अपन को तेल और साथ साथ खाने के लिए मलाई। चलो लाइट रेडी करो। 2 घंटा लगता भैया ये रेडी होने के लिए। कैसे तो अभी रात हो जाएगा। अभी मिलाते रहो मिलाते रहो। अभी तक आधा घंटा हो गया, और 2 घंटा लगता भैया। कितना? और 1.5 घंटा लगेगा। थोड़ा सा कम हो गया। देखो थोड़ा कम हो गया, रात हो गया, ऊपर चांद भी आ गया। काम यही है इसमें, कल ही मिलाना। अभी तक 1 घंटा हो गया। अरे कहाँ है अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी इस तरह कम से कम 2 घंटा लगता ना। और 1 घंटा लगा, आधा हो गया ना। साइड पे भी थोड़ा सा ऑयल निकल रहा है। आयल निकल गया बोल के सर को नहीं लगाना। अभी मोटा बन गया है, अभी 1 घंटा छोड़ना पड़ेगा। और 1 घंटा बराबर बराबर। ये देखिए अभी धीरे धीरे तेल बाहर आ रहा, अब ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। अभी तेल बाहर निकल रहा। अभी ये मलाई को खा सकते ना, अभी खाने के लिए मजा रहेगा वो। देखिए अभी पूरा लास्ट समय आ गया, अभी तेल निकालने का बारी है। अभी इसको इसमें से निकाल के डालेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में तेल निकाले तो एकदम बढ़िया रहेगा दिखने में। ठीक है अभी इसको डाल देंगे कढ़ाई पे। 5 मिनट में बनेगा अभी? नहीं अभी 10 मिनट लग जाएगा, नया कढ़ाई लगा ना, थोड़ा ठंडा था, गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और कढ़ाई गर्म गर्म होना
देखिए अभी तेल बाहर निकलना शुरू हो गया। देखिए इस साइड पे देखिए, चारों तरफ में देखिए तेल आ रहा बाहर। ये देखिए धीरे धीरे तेल निकलते जा रहा। देखिए 2 घंटा हो गया ना भैया? हो गया 2 घंटा। देखिए यहाँ पर बीच में कितना सारा तेल निकल गया। अब इसको लेके डालेंगे बाउल में। इतना मजेदार खुशबू आ रहा। देखिए देखिए इसी तरह निकलते रहेगा और अपन इसमें से निकल के एक बाउल में लेते जाएंगे। पूरा 10 नारियल का तेल। देखिए इसमें मेहनत था और नारियल भी ज़्यादा था, मगर तेल देखिए बनाते बनाते रात भी हो गया। रात हो गया और तेल का खुशबू को देखिए, और तेल देखने में कितना मज़ेदार दिख रहा। देखिए देखिए इतना बढ़िया वाला तेल। अरे मलाई का ना, उसके ऊपर शिकर लगे का ना? नहीं नहीं ऐसा बहुत मीठा रहेगा वो। हाँ खाने के लिए मले मज़ेदार मलाई, और यहाँ पर तेल भी सर पे लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए। बैठो तेल लगा दो। पूरा बॉडी मसाज करो भैया। भैया भैया रवाना बॉडी मसाज करो। बॉडी मसाज नहीं, ठंडी का मौसम में बॉडी मसाज का मजा रहेगा वो। गर्म है भैया? कैसा है? बहुत अच्छा है। अभी मलाई को बाहर निकाल देंगे। देखो जिसको मलाई खाना है यहाँ पर आ जाओ। देखिए कितना बढ़िया वाला मलाई। यहाँ पे देखिए 11 नारियल का तेल निकालना हो गई। ये तेल है, ये उसका मलाई है। खाने के लिए? खाने के लिए। मलाई तो खाएंगे, तेल का काम कल देखेंगे। हाँ। नहीं अभी बाल को लगाना है तेल। गरम गरम अभी लगे तो जल जाएगा। नहीं खाएंगे सबसे पहले मलाई। इतना बढ़िया वाला मलाई, मजा आ गया। बहुत अच्छा है। और इसमें थोड़ा चिकन मिला के खाए तो और मजा आ गया। गुड़ भी डाल सकते हैं ऐसा बोले तो। जबरदस्त है।